मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतने मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा पब्लिक में, पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद सौ लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देख कर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना परसेंट वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने, लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोली का बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक, हाँ, एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं कई सारे बयान, कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ हाँ, तो हम कहते हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की जबान है, और मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं पीछे में भी कहता हूं, किसी खौफ के बगैर, किसी लालच और तमा के बगैर, और सिर्फ जज्बात में मुश्तैल होकर नहीं, दलील की कुव्वत के साथ जिस तरह ये अपनी बात पेश करते हैं, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह ताला उनके अकबाल अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, और उनसे मिल्लत की तर्जमानी की ज्यादा ज्यादा खिदमत ले और उनकी हिफाजत फरमाए।